आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। होली और रंग पंचमी आप कलर के साथ रंगों के साथ मनाइए और अच्छे से डिश बनाइए। ये देखिए मैंने सारे कलर्स लगा के रखे हैं, तो मैं आप लोगों को भी कलर्स लगाने वाली हूँ और मैं खुद भी लगाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कलर से बहुत प्यार है। हमारी रंग वाली होली की तो बात ही अलग है। देखिए हैप्पी होली। चलते हम जल्दी से रसोई में कलर को एक साइड रखकर और बनाते हैं कुछ नया सा। अब होली आ गई है, सभी लोग होली पे बहुत गुजिया बनाते हैं। मैं भी गुजिया, मैंने भी बनाई है, बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि गुजिया की जगह कुछ और नहीं बन सकता, कि हमेशा गुजिया गुजिया ही बनती है। तो मैंने सोचा आज कुछ और बनाती हूँ। तो मैं कल मार्केट गई थी तो मुझे ये ट्रायंगल शेप का ये सांचा दिखा, तो मैंने सोचा क्यों ना समोसे बनाए जाए, और वो भी कुछ अलग तरीके से। ये मावे का कसा रखा हुआ था मैंने बना के, बहुत ही बढ़िया मावा है। इसमें मावा है, थोड़ी सी सूजी और पिसी हुई शक्कर सारी मेवा और इलायची मिलाकर मैंने रख लिया था, जिससे कि ज्यादा लंबा वीडियो ना बने। और ये मैदा लिया है मैंने करीब 300 ग्राम। इसमें थोड़ा सा मैं रिफाइंड ऑयल का मोन लगाऊंगी, जिससे कि जो हमारी गुजिया है वो बहुत ही बढ़िया सी बने। तो इसमें मैं 2 चम्मच अच्छे से डाल देती हूँ। 2 चम्मच बड़ा मैंने मोन डाल दिया इसमें। अब इसको मैदे को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। कई लोग इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी डालते हैं, बट मैं नहीं डाल रही हूँ सॉल्ट, क्योंकि मैं इसको चाशनी में पाक कर बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, जैसे ही हमारे जो लड्डू से बनने लगे, इसका मतलब है कि मैं मोन इसमें जो है वो प्रॉपर है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा कुनकुने पानी में भी गूंध सकते हैं, लेकिन मैं ठंडे पानी में गूंध रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका टाइट सा डो बना लेते हैं। डो बन के तैयार हो गया है। इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देती हूँ, जिससे कि मैदा जो हमारी अच्छे से फूल जाए, उसके बाद हम बनाते हैं। 10 मिनट रेस्ट हो गया है और मैंने इसकी लोई थोड़ी बड़ी बड़ी सी बना के रख ली है, जैसे कि हमारी एक लोई में अच्छे से बन जाए। देखिए थोड़ा बेड़ा पेड़ा जो है इसका थोड़ा बड़ा सा बनाना। ये देखिए इसको हम बड़ा सी रोटी जैसी लोई बेल लेते हैं। जैसे हम समोसे के लिए ओवल शेप की पूरी बेलते हैं, वैसे मैंने ये बेल ली। देखिए और ये ना ज़्यादा बहुत मोटी और ना बहुत ही पतली सी रहेगी, देखो दिख रही होगी आपको। अब हम क्या करेंगे, अपने समोसे के सांचे में इसको अच्छे से लगा देंगे, जैसे हम गुजिया भरते हैं ना, बिल्कुल वैसे। वो स्टाइल तो वही है, बस शेप का अंतर है। बस देखिए उसमें ये थोड़ा सा अच्छे से भर देंगे। देखिए उसको पलट देंगे। सेम ही चीज़ है, लेकिन सिर्फ इसको हम चाशनी में डुबोकर बनाएंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया से लगती है। वाह, देख रहे हैं आप शेप कितना प्यारा लग रहा है और कितने सुंदर से दिख रहे हैं। तो हम इसी तरह से सारे बनाकर ट्रायंगल बन के हमारे रेडी हो गए हैं। देखिए पूरे ट्रायंगल बन चुके हैं, बस लास्ट ये बचा हुआ है, तो इसको भी मैं बना लेती हूँ। है ना कितना इजी। चारों तरफ हम अच्छे से मैदा लगा देंगे, जिससे कि हमारा जो ये पोर है ये खुले ना। और अब हम क्या करेंगे, गैस पर घी भी चढ़ा देंगे धीमी आंच पे, क्योंकि ये बहुत ही स्लो आंच पे सिकना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा मटेरियल भरा हुआ है, नहीं तो ये फटने का डर रहता है। मेरी मम्मी हमेशा कहा करती थी जिसको एकदम से मोमबत्ती की लौ में सेकना चाहिए, जिससे कि सिम पे बहुत ही अच्छे से सिके। तो ये हमारे सारे बन के रेडी हो गए हैं। ये देखिए वाओ सुंदर लग रहे हैं। तब हम इसमें घी डालते हैं। आप चाहे तो इसमें रिफाइंड ऑयल में भी सेक सकते हैं, बट मैं इसको घी में सेकूंगी। थोड़ा घी से स्वाद इसका बहुत ही बढ़िया सा आता है। ये मैंने कल ही घी बनाया था, घर का घी है, इसका स्वाद तो और ही अच्छा आने वाला है। तब हम इसको धीमी से आसपास को अच्छे से तल लेते हैं। चूंकि होली का टाइम है, तो मैंने सोचा क्यों ना केसर के कलर से इस पर हैप्पी होली लिख दिया जाए। तो मैं लिख रही हूँ इस पर हैप्पी होली। ये देखिए जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है, तब तक मैं चाशनी की तैयारी कर लेती हूँ। वैसे तो हम ट्रायंगल को ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम चाशनी में पाकेंगे इसको तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो मैंने ये आधा ग्लास करीब पानी डाला है। आधा ग्लास पानी में मैं करीब आधा किलो शक्कर डाल रही हूँ, जिससे कि हमारे जो ट्रायंगल है वो बहुत ही बढ़िया से एकदम रंग भरी है, तो ये चाशनी से भरे हुए लगे। तो ये मैं शक्कर डाल देती हूँ इसमें करीब, और अच्छे फूलने तक का इंतजार करते हैं। इसी चाशनी में थोड़ा सा शक्कर का पाउडर डाल देती हूँ। ये मेरा इलायची का पिसा हुआ पाउडर है, इसमें बहुत सारी इलायची है और शक्कर थोड़ी सी है। और इसको अच्छे से चाशनी को 3 तार की चाशनी को हम बना लेते हैं। जब तक ट्रायंगल सिकेंगे, तब तक हमारी चाशनी भी रेडी हो जाएगी। घी हमारा एकदम गर्म हो गया है, क्योंकि ट्रायंगल जो है हमारे बिल्कुल सिम पे सिकेंगे,
और देखिए कितना अच्छा मैंने इस पे हैप्पी होली लिखा है, दिख रहा होगा आपको कितना बढ़िया से दिख रहा है एकदम केसर के कलर से, और जब ये सिक्के निकलेंगे तो बहुत ही बढ़िया से लगेंगे। अक्सर शादियों में इस टाइप के बनाए जाते हैं गुजे और जिनमें लिखा जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना रंगमारी होली पे भी ऐसा लिख लेते हैं, तो ये मैंने लिख लिया है। वाह कितने सुंदर दिख रहे हैं, देखिए कि देखिए हमारे ट्रायंगल बहुत ही बढ़िया सिक गए हैं, तो हम इनको सेक सेक के पूरा रख लेते हैं और फिर चाशनी में डिप करते हैं। हमारे देखिए हैप्पी रंग पंचमी कितना सुंदर दिख रहा है, दिख रहे होगा आपको, बस थोड़े पेशेंस रखिए क्योंकि अच्छे स्वाद के लिए धीरे धीरे जो चीज़ बनती है वो बहुत ही बढ़िया से लगती है। और हमारी चाशनी भी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, तो गैस की फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ। ये देखिए चाशनी एकदम रेडी हो गई है, देखिए कितनी बढ़िया है, हल्की सी ठंडी चाशनी होगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए तीन तरह की चाशनी एकदम बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एक एक अपने ट्रायंगल्स में डालेंगे। ये देखिए ये देखिए ऐसे एक एक डाल डाल के ऐसे निकाल देंगे। देखिए वाओ ये देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं, एकदम चमकदार और बहुत ही सुंदर से। ये देखिए वाओ ये हमने चाशनी को अच्छे से कोट कर दिया, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसे मैं पूरे चाशनी में डाल लेती हूँ और एक एक करके निकाल लेते हैं। देखिए तो तैयार है हमारे बहुत ही यमी बहुत ही टेस्टी कलरफुल ट्रायंगल। तो आप भी इस सीजन में इस होली और रंग पंचमी पे बनाइए ट्रायंगल और खाइए और खिलाइए, देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। मैं इसको टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि कैसे दिख रहे हैं।